हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस वेला के बारे में, इंडियन नेवी की नई स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। जानेंगे इसके बारे में, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये आपके सामने बहुत ही एक खूबसूरत तस्वीर है INS वेला की, स्कॉर्पियन क्लास स्टेल्थ सबमरीन। ये एक न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, इट इज़ ए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, मगर तब भी काफ़ी हद तक ये कारगर है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। नाउ ये टॉपिक UPSC पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC ऑलमोस्ट एवरी ईयर या फिर एवरी सेकेंड ईयर इंडियन नेवी की नई एक्विजिशन या फिर कोई अगर हम इंडिया में ही शिप बनाते हैं उससे सवाल पूछ लेता है। अगर वो शिप इंडिया में बनी हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल, UPSC प्रीलिम्स 2016 में ये प्रश्न आ गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्र धरणी दैट वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो 2016-17 में INS अस्त्र धरणी न्यूज़ में थी, द हिंदू में इसके बहुत सारे आर्टिकल आए थे, तो उस वक्त UPSC ने सोचा कि इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके मैं चाहूँगा आप सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नाउ इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही आंसर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बिल्कुल नहीं है, इसका सही आंसर है टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। नाउ ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है, इंडिजिनसली बिल्ट है, ये एक टॉर्पीडो लॉन्च और रिकवरी वेसल है और ये काफ़ी तक न्यूज़ में थी। तो सिमिलरली जिस तरीके से अस्त्रधरणी न्यूज़ में थी, आज के टाइम में INS वेला न्यूज़ में है, तो सो यू शुड नो अबाउट इट, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। नाउ INS वेला की अगर हम बात करें तो ये चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था फॉर ट्रायल्स एट द माजागॉन डॉक लिमिटेड मुंबई। देखो माजागॉन डॉक लिमिटेड मुंबई में आपको मिलेगा, यहाँ पे इसको सी ट्रायल्स के लिए अभी लॉन्च किया, मतलब कि एक से डेढ़ साल के अंदर ये आपको इंडियन नेवी में देश की रक्षा करते हुए दिखेगी। नाउ ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ये मेड इन इंडिया है, इसको हमने इंडिया में बनाया है मगर फ्रेंच कोलैबोरेशन के साथ। यहाँ पर क्या है कि एक फ्रेंच प्राइवेट कंपनी अंडर प्रोजेक्ट 75i इंडियन कंपनी की मदद कर रही है और दोनों मिलकर इंडिया में 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बना रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड नो अबाउट दिस, और ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन है। द प्रोजेक्ट 75i क्लास सबमरीन इज़ ए फॉलो ऑन ऑफ द प्रोजेक्ट 75 कलवारी क्लास सबमरीन फॉर द इंडियन नेवी। देखो एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75 कलवारी क्लास, ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली चल रहा था। ये जो प्रोजेक्ट 75i है इसका ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें हमने एक फ्रेंच कंपनी जिसका नाम आपके सामने यहाँ पे है DCNS, ये इसका नाम है, इसको हमने इनवाइट किया है, एक 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट के अंडर हम लोग इंडिया में 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बना रहे हैं जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स भी होंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय AIP सिस्टम्स, ये क्या है? देखिए सबमरीन्स आज के टाइम में प्राइमरली दो टाइप की आपको मिलेगी, एक तो होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और दूसरी होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, सबमरीन के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिससे पूरी सबमरीन को ऊर्जा मिलती है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का एडवांटेज ये है कि वो पानी के नीचे रह सकती है एक बहुत ही लंबे समय तक और क्रू भी वहाँ पर काफ़ी हद तक सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, इसको आफ्टर सम टाइम सरफेस होना होगा, और सबमरीन सबसे ज़्यादा कमज़ोर तभी होती है जब वो सरफेस में होती है, क्योंकि तब उसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी हद तक आसान होता है। तो मान लीजिए कल को युद्ध छिड़ जाता है तो वहाँ पे आपके पास अगर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है तो आप कई महीने 3 महीने आराम से समुद्र के काफ़ी नीचे आप जा सकते हैं और आपको डिटेक्ट करना काफ़ी हद तक मुश्किल होगा। तो इसका तोड़ हमने ये निकाला है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, इससे बेसिकली हमारी जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं ये पानी के अंडर ज़्यादा समय तक रह पाएंगी। क्या ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के तरह रह पाएगी? नहीं, उतना तो नहीं रह पाएगी, मगर पानी के नीचे रहने की जो इनकी कैपेसिटी है,
जो इनकी आप कह सकते हैं एंड्योरेंस है इन सबमरीन की, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो सो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना कि जो प्रोजेक्ट 75 आई है, यहाँ पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को भी हम डेवलप कर रहे हैं और इन स्कॉर्पियन सबमरीन्स में हम इनको इंस्टॉल भी कर रहे हैं ताकि ये पानी के नीचे लंबे समय तक रह पाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट 75 आई की जो टोटल कॉस्ट है इट इज़ 60,000 करोड़ रुपीज़। इसमें 6 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। इसमें जो पहली सबमरीन थी जिसको कमीशन किया गया था, मतलब कि इंडियन नेवी इस सबमरीन को अब यूज़ कर रही है, ये सबमरीन थी INS कलावरी। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। लॉन्च के बाद सी ट्रायल्स होते हैं, काफ़ी उसमें रेडार्स भी ये लोग इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी कुछ तरक्की होती है। तो 2 साल लग जाते हैं इसको कमीशन होने में और फिर ये फाइनली 2017 में कमीशन की गई थी। नाउ इसके बाद दो और सबमरीन्स हैं जिनको लॉन्च किया गया था 2017 और 2018 में, इनको कमीशन करना भी बाकी है। एक तो है ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खंडेरी जिसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2017 में। फिर है करांज जिसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में। फिर जो चौथी सबमरीन अब यहाँ पर सी ट्रायल के लिए शुरू हो चुकी है वो है INS वेला। ठीक है, तो अभी INS वेला देखो, इससे पहले भी इंडियन नेवी के पास 1973 में इस नाम की सबमरीन आई थी। ये नाम बेसिकली पहले हमने डीकमीशन किया था, अब फिर से नई सबमरीन बनाई है तो उसको हमने फिर से नाम दिया है। तो INS वेला नाम की सबमरीन हमारे पास थी जिसको हमने कमीशन किया था 1973 में। इसने 37 ईयर्स तक देश की सेवा करी, उसके बाद इसको डीकमीशन कर दिया। अब हमारे पास जो नई स्कॉर्पियन क्लास स्टेल सबमरीन आई है इसको हमने वही नाम INS वेला दिया है। अब इसके बाद ये भी याद रख लो कि INS वेला के बाद दो और सबमरीन्स और आएंगी, एक तो होगी INS वगीर और फाइनली आएगी INS वगशीर। ऑलराइट, तो ये दोनों अभी आनी बाकी है। अभी के लिए ये जो चार हैं ये आ चुकी हैं, इनमें से INS कलवारी कमीशन हो चुकी है। सो ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब माइंड में रखिएगा, इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं एंड इतना कुछ जानना काफ़ी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।